हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत बल के वार्ड नंबर 5 के हरिजन बस्ती के लोग सड़क सुविधा से महरूम हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे कंधों पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया जाता है। गत 2 दिन पहले भी वार्ड नंबर 5 में एक व्यक्ति के अचानक बीमार पड़ जाने पर बिस्तर पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ा है। हालांकि कुछ माह पहले हरिजन बस्ती के लिए सड़क सुविधा देने के लिए 1,65,00,000 रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया था और इसके तहत सड़क का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन रिहायशी जमीन मालिकों के द्वारा जमीन न दिए जाने के चलते मात्र 100 मीटर सड़क कार्य लटका होने से सड़क को संपर्क मार्ग से नहीं जोड़ा जा सका है। महिला पुष्पा देवी ने बताया कि गांव के लिए बीमारी की हालत में अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी दिक्कतें पेश आती हैं। बीमारी की हालत में बिस्तर पर उठाकर ही मरीज को लाना पड़ता है। सड़क नहीं बनने से एम्बुलेंस तक भी गाँव में नहीं पहुँच पाती है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सड़क बनाने के लिए रास्ता खुलवाया जाए। समस्या सर ऐसी है कि ये गांव मोही से हूँ मैं, वार्ड नंबर 5 से। यहाँ हमारा जो रास्ता है मेन सड़क से नीचे गांव के लिए, वो रास्ता एक दलेर सिंह जी हैं जी, उन्होंने हमारा रास्ता जो बंद कर दिया है और बार बार यहाँ पे बाड़ लगा देते हैं, कभी पेड़ अड़ा देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और ये भी कोई बीमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है जी। अभी दो चार दिन पहले ऐसा हुआ कि एक जेंट्स है हमारे साथ, हमारे अंकल लगते हैं उनको, मतलब बैकबोन से प्रॉब्लम है उनको कुछ, तो उनको मतलब चलना फिरना मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा, उनको बेड पे लाना पड़ा ऊपर तक। अगर हमारे को सड़क की सुविधा हो जाती है नीचे तक तो मतलब किसी को भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी सड़क मतलब जो है घर तक जाएगी तो हम लोग एम्बुलेंस वगैरह जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं उनको, किसी को भी। और लेडीज़ को किसी को दिक्कत होती है, किसी की डिलीवरी होनी है या कुछ भी होना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर नीचे से ऊपर तक लाने में। बुज़ुर्ग बहुत हैं वहाँ पर नीचे, बुज़ुर्गों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे हमारे ये ससुर जी हैं, इनको भी मतलब कभी कोई दिक्कत हो जाए तो आना जाना बहुत मुश्किल है। सासू हैं हमारी, लोग मांग करते हैं जी हमारा रास्ता जो खुलवाया जाए। हम लोग बार बार PWD वगैरह सब जगह हमारी एप्लीकेशन जो है वो जा चुकी हैं, मतलब सारा रास्ता जो करीब करीब बन चुका है नीचे से लेके ऊपर तक, पर ये बीच में थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इन लोगों ने रोक रखा है। आप देखिए यहाँ पे शेड डाल दिया जबरदस्ती और ये रास्ता जो है इसको बार बार मतलब क्लोज कर देते हैं, मतलब गाड़ी स्कूटी छोटी स्कूटी निकलती थी वो भी बंद कर देते हैं उसको। बाकी हम लोगों ने जो हमारे ससुर जी ने जो है वो दान की है ये ज़मीन जो है PWD को, मतलब वहाँ से हमारा अप्रूव हो चुका है सारा कुछ, पर ये लोग बनने नहीं देते हैं। मतलब गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि सड़क के लिए जमीन दान की हुई है, लेकिन एक व्यक्ति ने सड़क को निकालने के लिए अड़ंगा लगाया हुआ है जिसके चलते अब सड़क संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ पा रही है। उन्होंने बताया कि सड़क सुविधा से महरूम रहने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि गांव के लोगों को जाने के लिए निकाली जा रही सड़क कार्य को जल्द पूरा करवाया जाए। ग्राम पंचायत बल के गांव मोही में हरिजन बस्ती को जाने के लिए सड़क की सुविधा की दरकार होने से अब ग्रामीण खासे परेशान हैं। इस बाबत पंचायत प्रधान के पास भी कई बार सड़क सुविधा का प्रावधान करने के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। हमारी समस्या ये है कि हम सड़क नीचे के लिए बनवा रहे हैं तो इधर से मैंने अपनी खाते में से PWD के नाम से 8 मरले जगह दी हुई, मैंने और मिशन भाई ने खाता में मिस्टेक का खाता में, तो ये दलेर सिंह जी हैं जो उसको ऊपर अवैध कब्जा बनाए बैठा है। तो हमारी समस्या है कि आने जाने के लिए थोड़ी सड़क की सुविधा हो जाए, और नीचे तक पूरी सड़क घर तक बन चुकी है, लेकिन यहाँ ये 4 मरले की समस्या, ये इनको अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। पंचायत वार्ड सदस्य मनोज कुमार का कहना है कि जमीनी विवाद होने के चलते 100 मीटर सड़क बड़ू को जाने वाली संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाई है। लोगों का कहना है कि सड़क बनाने के लिए सभी ने जगह PWD को गिफ्ट रीड की है, लेकिन एक परिवार के द्वारा जमीन नहीं दिए जाने से समस्या गहराई हुई है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस जमीन का फैसला करवाया जाए ताकि हरिजन बस्ती के लिए सड़क सुविधा मिल सके। सर समस्या ये है कि हमने पिछले साल जैसे इस रोड के लिए अपनी जगह दी हुई है, यहाँ से नीचे तक हमने तकरीबन 15 गाँव वासियों ने जो है कि PWD के नाम जो है वो रजिस्ट्री करवा दी है, और रजिस्ट्री होने के बाद नीचे से PWD ने अपनी गाड़ी से पूरा रोड जो है वो नीचे से बन गया। बस ये थोड़ा सा आगे फ्रंट से है, मुस्तरी का नंबर होने की वजह से जो है ये दूसरी पार्टी ने क्या किया कि इसको ये देखो आपके सामने ये बाड़ जो है बाड़ लगा दिया है, जबकि हमारा मुस्तरी खाता है। और यहाँ से भी हमने जो है कि वो जगह जो है वो हमने PWD के नाम, ये भी जगह हमने PWD के नाम दी है।
जो हम मिस्त्री का घर था उसमें जो हमने 8 मरले जो मेरे पिताजी ने वो जगह जो PWD के नाम करवाई है, विभाग से हमारा पैसा सेंक्शन हो गया, इसके लिए हमें जो PWD से लेटर मिला तो उसमें जो हमारा 1,65,000 जो इसके लिए सेंक्शन हुआ है। तो हमारे नीचे यहाँ पे 40 घर हैं, तो इसके लिए आने जाने परसों एक 3 दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हमारे इधर एक अंकल थे हमारे जो उनको जो बैक बोन और उसको था तो उनको एकदम चलने फिरने में असमर्थ थे, तो उनको क्या करना पड़ा जो कि हमें वो चारपाई पे गांव वालों को चारपाई पे लाना पड़ा। हमें इतने नज़दीक होने के मीरपुर के नज़दीक होने के साथ साथ इतना बुरा हाल कि हम तो इससे इतने वंचित हैं कि उनको हमने देखो इतना रोड होने के बावजूद अपनी जगह देने के बावजूद भी हमें वो यहाँ तक वो पहुँचाने के लिए चार पाइप लाना पड़ा। ऐसे हमारा ये मुस्तरी का खाता का नंबर है, इसकी जो तकसीम जो जल्दी की जाए और जो इसका जो हमने PWD को जगह दी है वो उसका ततीमा जो है वो काट के PWD के नाम किया जाए और ये रास्ता जो सड़क जो